ईरान मार जा रहे हैं। और घंटा घर में हम लोग आए हैं और घंटा घर में आके थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहे हैं। और तमाम तरीके की गाड़ियाँ और तमाम तरीके का सिस्टम है घंटा घर में। तो बाकी छोटी छोटी सी अपडेट आपको देते रहेंगे। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अमर खान ब्लॉग्स। देखो दोनों लड़के जो हैं घंटाघर में ज़बरदस्त तरीके से अपनी सामने वीडियो का तो क्या खाओ तो तुम लोग बोलो जल्दी से। मोमोज, ये मोमोज खाने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए घंटाघर में बेहतरीन इनकी शॉप हैगी और ये बारात वगैरह में भी जो है जाके अपना सेटिंग करते हैं। और ये मोमोज के लिए बेहतरीन ठेला लगा हुआ है और फिंगर चिप्स वगैरह भी देते हैं और मोमोज भी देते हैं और चटनी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके की है इनकी। ये फ्राई मोमोज भी है और नॉर्मल भी है। 10 रुपए के क्या मिलते हैं? 10 के 3 और 20 के 6। ये टेलीफोन नंबर इनका लिखा हुआ है। सब्सक्राइब मई यूट्यूब चैनल अमर खान ब्लॉग्स। भाई साहब ये देखिए ज़बरदस्त इनके मोमोज हैं बने हुए और ये फ्राई मोमोज भी देते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए ज़बरदस्त है तो थोड़ा सा खा के मज़ा लेने जा रहे हैं। है बहुत लाजवाब। बाकी खाने में भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और कोई चीज़ की कमी नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त खिलाई है इसकी। और बाकी जो है अभी आगे की अपडेट और देंगे क्योंकि गर्म बहुत हो रही है। बच्चों के कहने से आना पड़ गया यहाँ पर हम लोगों को। बाकी पीछे का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे और भी कुछ ठेले लगे हुए हैं उन सब चीज़ों को दिखाएंगे। भाई साहब अरहान जो हैं बताशे की शॉप के ऊपर चले गए हैं अब बताशे खाने के लिए। उनको बड़ा शौक है बताशे खाने का तो हमने सोचा बताशे भी वो खा लें। तो ये देखिए सिक्की की दुकान भी है, बताशे भी मिलते हैं, बर्गर भी मिलते हैं और भी तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और इसके बाद भी आगे की जो भी अपडेट आपको जो देंगे वो घंटा घर के पास की वो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी देंगे। आज जो है कुछ गर्म कुछ ज़्यादा है उसकी वजह से वीडियो बनाने में ज़रा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और भी आगे इससे अच्छी वीडियो देने के लिए आप लोगों को आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपनी जुबा पर स्वाद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों बताशे खाने का दिल चाहा तो हमने भी सोचा खा ले और खाने के बाद बताते हैं कि बताते का टेस्ट क्या है और क्या मज़ा है। पहले हम खा लें। और जबरदस्त खिला देना और जबरदस्त बताशे हैं। पानी बहुत जबरदस्त है। पानी से ज्यादा पी दो। एक खटाई का दीजिएगा।
बताशे जबरदस्त है। बाकी भी आपको और दिख, ये हमारे बेटे हैं, ये जो हैं खाने पीने की चीज़ें कम खाते हैं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। क्या भैया ये खाते हो ना? तो वो क्या, इधर देखो इधर देखो, क्या मज़े की लगती है, है? आज किसके कहने के ऊपर हम लोग घंटा कर रहे हैं? अम्मार के कहने के ऊपर आज हम लोग घंटा कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो के ऊपर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों घंटा घर में आए हैं और गर्म बहुत है, कोई पंखा चल रहा है, कोई क्या है, अब तो और भी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ मिलने लगी हैं, जैसे कि बिरयानी हलीम यहाँ का बहुत मशहूर है, बिरयानी बहुत मशहूर है। और भी मंजर देख ही रहे होंगे आप लोग यहाँ का, ज़बरदस्त घना भरा हुआ मौसम। हलीम बिरयानी की आपकी ज़रूर डालेंगे हम। हाँ ये साहब देखिए इनका बैनर लगा हुआ है, और घंटा घर में जो अजीज चचा का घर जिस साइड पड़ता है उसी पहली मोड़ के ऊपर फर्स्ट कॉर्नर भाई साहब का लगा हुआ बिरयानी का ज़बरदस्त वाला, और बिरयानी का कलर भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए ज़बरदस्त बिरयानी का कलर है, और क्या इसका इसका जो है एक चीज़ ये बता दीजिए आप, इसका कितने की प्लेट है, क्या है, क्या सीन? इसकी क्वार्टर है, 60 की हाफ है। 40 की क्वार्टर है और 60 की हाफ, 60 की हाफ और 120 का फुल है भाई का। भाई का आपका नाम? मोहम्मद जाकिर साहब हैं, घंटा घर चौराहे के ऊपर शॉप है इनकी, छोटी सी रेड़ी लगती है। तो हम फिलहाल मलियाबाद से हैं, मैंगो बेल्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को इंशाल्लाह दौड़ाएंगे ज़रूर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये देख लीजिए घंटा घर के बैक साइड पीछे का नज़ारा है ज़बरदस्त वाला, और भी भाई लोग सब जने खड़े हुए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैंगी ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो हैं यहाँ के ऊपर। और बाकी जो है और भी कुछ जो है मलियाबाद से इस वजह से मैंगो बेल्ट से निकले कि आज हम बहुत दिनों के बाद में यहाँ के ऊपर आने के बाद में कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं जो कम से कम मौसम का मज़ा लेने निकले। कुछ मौसम में थोड़ी सी राहत है मलियाबाद से, हम भी इसी वजह से निकले क्योंकि सोचा मौसम थोड़ा ठंडा होगा, मगर यहाँ आने के बाद पता चला मौसम में गर्मी है, वहाँ के मौसम में यहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क है। 30 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, पर यह है कि वहाँ के ऊपर का मसला दूसरा है और यहाँ के ऊपर का मसला दूसरा है। तो यही सब चीज़ें दिखाना चाह रहे थे आपको। अमार मर कहाँ है, और ये पीछे घंटाघर का नज़ारा ज़बरदस्त वाला, ये नज़ारा हम आपको करा रहे हैं ज़बरदस्त वाला, और ये बैक साइड पीछे का है ज़बरदस्त। और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी जुबान पर मेरा स्वाद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।